भागलपुर नगोछिया पंचायत चुनाव को लेकर नगोछिया अनुमंडल कार्यालय में चल रहे नामांकन की प्रक्रिया में मंगलवार को प्रत्याशियों के समर्थन का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। समर्थकों की अत्यधिक भीड़ और वाहनों की संख्या अधिक होने से दोपहर में लगभग दो घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित रहा। इस दौरान अनुमंडल कार्यालय से गोपाल ढाबा तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। नामांकन में इस्माइलपुर जिला परिषद सदस्य पद के लिए प्रत्याशी के समर्थन में दो डीजे लेकर पहुंचे थे। हालांकि डीजे को अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कराया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही समर्थक डीजे लेकर रहे। प्रत्याशी समर्थक डीजे बजाते हुए पहुंचे थे और डीजे बजाते हुए ही वापस लौटे। नामांकन के समय डीजे बंद था। दो डीजे लेकर नामांकन में आना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ। डीजे इन दिनों पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दशहरा, दीपावली समेत अन्य त्योहारों में डीजे का उपयोग पर सख्त मनाही था। ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों के समर्थन द्वारा डीजे का उपयोग करना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। नगोछिया के अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अगर आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया तो कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता उल्लंघन में चार पर प्राथमिकी का आदेश दिया गया है। नगोछिया अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के लिए इस्माइलपुर से जीप प्रत्याशी पूर्व जीप अध्यक्ष सविता देवी और उनके प्रस्तावक दिनेश कुमार मंडल, धनंजय जायसवाल व बंटी कुमार पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। दंडाधिकारी अजहर हुसैन ने नगोछिया थाना में मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन और वीडियो फुटेज की सीडी समर्पित किया है। सैलपुर से नॉमिनेशन हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? इसको हटवा दीजिएगा। नॉमिनेशन दिया गया है चुनाव जीतने के लिए। जी सर, चुनाव जीतना है भारी मतों। और चुनाव जो लड़ते हैं सिर्फ जिला परिषद का हम नहीं लड़ते हैं, लड़ते हैं चेयरमैन का, अध्यक्ष। जी सर जी, ये उद्देश्य हमारा है। इस्माइलपुर के जनता ने सविता देवी के भारी मतों से चुनाव जिताए ताकि इनको जिला परिषद अध्यक्ष बना। जी, पिछले बार भी अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार भी चुनाव में क्या अपेक्षा है? पिछले बार तो हरा ही दिया ना, हार गए। एक बार अध्यक्ष रह चुके, ये करना उसमें और इसमें फिर जीतेंगे तो क्या विकास होगा इस्माइलपुर का? और इस्माइलपुर भरपूर, इस्माइलपुर का विकास नहीं होगा, पूरे जिला का विकास होगा और ज्यादा इस्माइलपुर का विकास होगा। नामांकन किए आज, क्या कहेंगे इस्माइलपुर की जनता को? इस्माइलपुर की जनता को क्या कहें आज नामांकन किए आप? नामांकन किए और भारी मतों से जिताइए और हम सब काम करने के लिए तैयार हैं। अब पिछले बार भी जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सदस्य भी रह चुके हैं, किस तरह से इस्माइलपुर का विकास होगा? विकास किए हैं और करेंगे। क्या अपेक्षा रखते हैं जनता से? जनता के लिए सब सहयोग। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।